से खूबसूरत मुस्कान, खूबसूरती और नीली आंखें, इन सबकी बदौलत करोड़ों दिलों पर राज करने वाली मंदाकिनी भले ही लंबा वक्त हो चुका है फिल्मी पर्दे से दूर हो, भले ही मंदाकिनी आज की तारीख में हिंदी सिनेमा जगत की चकाचौंध से दूर हो, लेकिन जब जब राम तेरी गंगा मैली फिल्म का जिक्र किया जाएगा, मंदाकिनी का नाम जरूर लिया जाएगा। इस फिल्म का जिक्र ना भी किया जाए तो झरने वाला सीन जब जब याद किया जाएगा, मंदाकिनी का नाम जरूर आएगा। राम तेरी गंगा मैली जब फिल्मी पर्दे पर रिलीज हुई, लोगों ने सोच लिया था कि मंदाकिनी कुछ बड़ा करने के लिए आई है। मंदाकिनी की खूबसूरती, उनका टैलेंट, उसे देखकर हर कोई कह रहा था कि ये हसीना कुछ बड़ा करके मानेगी। मगर बावजूद इसके, मंदाकिनी का फिल्मी सफर उतना ज्यादा कामयाब नहीं रहा। आज की तारीख में आप देख लीजिए, 90 के दशक की कई अभिनेत्रियां हैं जो फिल्मी पर्दे से दूर हो तो भी लाइमलाइट में बनी रहती हैं, लेकिन मंदाकिनी उससे बिल्कुल हटकर है। महीने बीत जाते हैं, उनकी कोई तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होती, जबकि वो रहती माया नगरी मुंबई में ही है। जो सबसे पहली रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करेंगे, उस रिपोर्ट में आप सबसे पहले जानिए कि मंदाकिनी फिलहाल अपनी जिंदगी को किस तरह से जी रही हैं, फिलहाल मंदाकिनी अपनी जिंदगी में क्या कर रही हैं, उनकी लाइफ कैसी हो गई है, देखिए जरा। इस खास रिपोर्ट में हम आपसे मंदाकिनी पर बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, हिंदी सिनेमा जगत में अपनी मासूमियत और अपनी नीली आंखों से हर जगह छा जाने वाली मंदाकिनी, अपनी पहली ही फिल्म से लाखों लोगों का दिल जीत लेने वाली मंदाकिनी, जिंदगी उनकी किस तरह से बदल चुकी है। 80 और 90 के दशक में मंदाकिनी ने सुर्खियां खूब बटोरी और खूब सुर्खियां बटोर कर एकाएक वो लाइमलाइट से दूर हो गई। बता दे आपको, 1990 में डॉक्टर कागियूर टी रिनपोचे ठाकुर से उन्होंने शादी की। शादी से पहले डॉक्टर एक बौद्ध भिक्षु बन गए थे। मंदाकिनी से शादी जब हुई, उनकी जिंदगी बदली, इनके दो बच्चे हुए। बता दे आपको, मंदाकिनी राम तेरी गंगा मैली से पहले प्रोड्यूसर दिनेश बंसल ने अपनी फिल्म श्री फरहाद के लिए उन्हें साइन किया था, लेकिन फिल्म के हीरो गौरव कुमार के मना करने पर फिल्म ठंडे बस्ते पर चली गई। इससे मंदाकिनी को धक्का लगा और वो वापस घर लौट गई। 1996 में आई फिल्म जोरदार के साथ मंदाकिनी का करियर खत्म हो गया। वो और उनके पति मुंबई में तिब्बतन हर्बल सेंटर चलाते हैं। मंदाकिनी तिब्बत योगा सिखाती हैं। बता दें आपको, जिंदगी मंदाकिनी की आसान कभी नहीं रही। उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा परेशानियों को झेला है। अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा तकलीफें मंदाकिनी ने सही हैं, क्योंकि उनकी बेहतरीन एक्टिंग के बावजूद भी लोग सिर्फ और सिर्फ उन्हें याद करते आए झरने वाले सीन के लिए। बेहतरीन एक्टिंग और खूबसूरती के अलावा मंदाकिनी के चर्चे होते रहे सिर्फ और सिर्फ झरने वाले बोल्ड सीन के लिए। बता दे आपको, मंदाकिनी को जो बोल्ड लुक राम तेरी गंगा मैली में राज कपूर ने दिया, उसकी वजह से लोगों ने काफी उनकी आलोचना की और वो आलोचनाएं आज भी होती हैं। हालांकि आपको बता दें, राज कपूर की इस फिल्म के लिए मंदाकिनी कभी पहली पसंद नहीं थी। इस फिल्म में तो डिंपल कपाड़िया को लिया जाना था, मगर राज कपूर को लगा कि एक भोली पहाड़ी लड़की के रोल के लिए उनको मंदाकिनी के रूप में नया चेहरा मिल गया है। बता दें आपको, इस सीन की वजह से मंदाकिनी को काफी ज्यादा ट्रॉल किया गया। इस सीन की वजह से मंदाकिनी के काफी ज्यादा आलोचक बढ़ गए। लोगों ने मंदाकिनी पर अंग प्रदर्शन करने का आरोप लगा दिया। आलोचकों ने ये कहना शुरू कर दिया कि मंदाकिनी जैसी अभिनेत्री जो है, वो अब घर की लड़कियों पर गलत प्रभाव डाल रही है। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि मंदाकिनी जैसी लड़की
हीरोइन के तौर पर जरा भी सभ्य समाज के लिए नहीं बनी है। जहां एक तरफ इस तरह के दावे लोग करते जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मंदाकिनी अपने फिल्मी करियर को आगे बढ़ाने के लिए नए नए पैतरे आजमाती जा रही थी। कुछ लोगों का कहना है कि मंदाकिनी के तार जो जोड़े गए लोगों के साथ, मंदाकिनी के जो रिश्तों को लेकर खुलासे होते गए, इन्हीं वजह से उनका फिल्मी करियर फ्लॉप हो गया। लोग कहते हैं कि अगर मंदाकिनी की निजी जिंदगी को लेकर इतना बवाल नहीं मचा होता तो आज वो भी फिल्मी पर्दे पर डिंपल कपाड़िया की तरह अपनी मौजूदगी बरकरार रखती। अब हम आपको मंदाकिनी के कुछ इंटरव्यूज से रूबरू करवाएंगे। इन इंटरव्यूज में वो बताती हैं अपनी शादी को लेकर और फिल्म राम तेरी गंगा मैली का वो बोल्ड सीन। क्या उन्हें पछतावा होता है इस फिल्म को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं इस फिल्म ने और इस सीन ने मंदाकिनी की छवि काफी ज्यादा बदली है। सुनिए जरा। जिस एक सीन को लेकर मंदाकिनी खुद इतनी ज्यादा कंफर्टेबल थी, यानी अपने झरने वाले सीन को लेकर, जब जब उनसे इसे लेकर सवाल किया जाता है तो वो सवाल को टाल दिया करती थी। जी हाँ, अपने बेहद बोल्ड झरने वाले सीन को लेकर मंदाकिनी ने कभी खुलकर बात नहीं की। 1986 में फिल्म आग और शोला की डबिंग के दौरान जर्नलिस्ट खालिद मोहम्मद ने मंदाकिनी से पूछा कि आपको वैसे सीन करने का पछतावा है। मंदाकिनी ने सवाल को टाल दिया। हर सवाल पर उनका जवाब यही होता, पता नहीं जी, राज कपूर जी को मना करने की हिम्मत कौन कर सकता है, और अच्छा सवाल नहीं है जी। मंदाकिनी ने हमेशा इस तरह के सवालों को टाला है। बता दे आपको, एक इंटरव्यू में मंदाकिनी ने कहा था, सालों बाद यानी करीब 2010 में मुझे वो सीन करने का कभी पछतावा नहीं होगा। मेरे फैंस और दर्शक मुझसे यादें रखते हैं, कुछ लोग अच्छे से याद करते हैं, कुछ मजाक उड़ाते हैं, लेकिन खुश हूँ कि वो मुझे उस सीन के लिए प्यार तो करते हैं। खुश नसीबी है कि मैंने अपने दौर में बेस्ट फिल्म मेकर राज कपूर जी के साथ काम किया है। सालों बाद मंदाकिनी जब चुप्पी तोड़ती हैं तो चुप्पी तोड़ते हुए इस तरह का बयान दे जाती हैं। बता दे आपको, मंदाकिनी पर कई बार कई तरह के इल्जाम लगाए जा चुके हैं। इल्जाम ये कि मंदाकिनी का संबंध रहा है अंडरवर्ल्ड से। इस तरह के सवालों का सामना भी मंदाकिनी को करना पड़ा। इस तरह के सवाल भी मंदाकिनी से पूछे गए। हैरानी होगी आपको जानकर कि जब सवाल मंदाकिनी से किया गया तो साल 2005 में मंदाकिनी भड़क उठी। उन्होंने कहा, आखिर कब तक मेरा नाम इस तरह से जुड़ता रहेगा? मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि इस तरह से मेरा कभी कोई अफेयर नहीं रहा। जो मेरी तस्वीरें वायरल हुई वो तब वायरल हुई जब मैं शोज के लिए विदेश जाया करती थी। जब मैं दुबई में परफॉर्म कर रही थी तब वो आए और हम मिले। हम दूसरे फिल्म स्टार्स की तरह ही थे। हमारे बीच अफेयर जैसी कोई बात नहीं है। इस तरह की खबरों ने मेरे करियर पर असर डाला। कहा जाने लगा कि मैंने शादी कर ली है, मेरा बच्चा भी है, जबकि मैंने शादी मुंबई के डॉक्टर से की है और मेरा एक बच्चा है। बता दे आपको, मंदाकिनी के अफेयर उन पर काफी ज्यादा भारी पड़े हैं। 56 साल की मंदाकिनी हर जगह छा तो गई अपनी फिल्मों की बदौलत, मगर अफसोस उनका फिल्मी करियर ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। 56 साल की मंदाकिनी छा तो गई हर जगह, मगर अफसोस उनके फिल्मी करियर पर इसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। और वो इसलिए क्योंकि मंदाकिनी की निजी जिंदगी से जुड़ी ऐसी ऐसी खबरें वायरल हो रही थी जिसकी वजह से डायरेक्टर्स ने उनके साथ फिल्म करना बंद कर दिया। एक्टर ने मंदाकिनी के साथ स्क्रीन शेयर करना बंद कर दिया और फिर मंदाकिनी को एहसास हुआ कि अब फिल्मी दुनिया में उनके करने लायक कुछ नहीं बचा है। इसीलिए बताया जाता है कि उन्होंने फिल्मी पर्दे से अपने आप को अलग कर लिया। खैर, मंदाकिनी फिल्मी पर्दे से दूर है लेकिन अपने पति के साथ, अपने बच्चे के साथ खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जरूर बिता रही है। मंदाकिनी कहती हैं कि उन्हें उस बोल्ड सीन का कोई पछतावा नहीं है। रही बात लिंकअप्स की, तो ये बात वो खुद भी मान चुकी हैं कि उनके
अफेयर्स की अफवाहों ने उनके फिल्मी करियर को इस तरह फ्लॉप किया। इस खास पेशकश में इतना ही, अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, फिर होगी आपसे मुलाकात, दे दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।